उज्जैन के मक्सी रोड पर पवासा थाना क्षेत्र में शिव मंदिर के पास अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर हथियारों के दम पर तोड़फोड़ की, जिसमें घर के बाहर रखी हुई गाड़ियों को भी तोड़फोड़ किया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला जांच में लिया है। उज्जैन के मक्सी रोड पर पवासा थाना क्षेत्र शिव मंदिर के पास रहने वाले एक परिवार के घर में कुछ युवा धारदार हथियार लेकर घर में घुसे और तोड़फोड़ के साथ ही घर के बाहर खड़ी हुई कार और मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ कर दी। जैसे ये सब वाक्य घटित हुआ, वैसे ही आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिवार के सदस्य सदमे में आ गए और पवासा थाने पर पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना देखकर प्रकरण दर्ज किया। अब जिन लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अंदर खाना खा रहे थे तो ये पीछे से आता है, पिता रमेश, धीरज मालवी, दिलीप पिता उनके। इस बारे में आपने पवासा जो थाना है आपका थाना वहाँ पर बताया ना, आपने थाने पर जाकर बताया था, थाने पर बताया था। फिर क्या क्या नुकसान क्या क्या हुआ इसमें? भाई साहब नुकसान, सामने के चद्दर काट गए तलवार से, अंदर का एक दरवाजा तोड़ के चले गए, गैस के चूल्हे के ना इनको तोड़ फोड़ के ना फेंक के अलग, वो पानी की टंकी वगैरह नहीं, अंदर से फोड़ तोड़ कर दी। क्यों तोड़ फोड़ क्यों किए, क्यों नुकसान पहुंचाया, क्या वजह? कोई नहीं मालूम काय के लिए तोड़ फोड़ करी। और एक मेरी गाड़ी थी वो डीलक्स खड़ी थी अंदर, उस पर भैया बताइए आप लोग कहाँ रहते हैं और क्या हुआ क्या है? सर हम यही रहते हैं, पर एकदम गली में सारे निकल गए, घर में घुसे तोड़ फोड़ करी, मारा कुटी करी, ये बच्चों को भी मारी। क्या नुकसान वगैरह क्या क्या हुआ है, क्यों? घर में सर फ्रिज व्रिज पूरा पानी की टंकी गैस फेकर कर दिया, सब तोड़ फोड़ कर दिया। आपने सर उनमें तलवार अलर मारी। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेश गोयल। कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ। थाना आपके आपके थाने पर आपने सूचना वगैरह की बताया? सबसे पहले मैं गया था सर वहाँ पे, फिर पुलिस वालों को लेके आया यहाँ पे। हो गई एफ आई आर? हो गई, हाँ एफ आई आर हो गई सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।